और यूक्रेन के बीच 45 दिनों से भीषण युद्ध जारी है और रूसी सैनिकों की तरफ से क्रामतोर्स्क स्टेशन पर मिसाइल से अटैक किया गया। इस हमले में 5 बच्चों समेत 52 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन सभी लोगों का डोनेस्क से रेस्क्यू होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही रूसी सेना का हमला हो गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का उल्लंघन भी बताया है। और अमेरिका ने रेलवे स्टेशन पर हुए रूसी हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्वीट करके ये कहा कि यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर रूसी बर्बरता हुई, यहां से नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा रहा था। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में भीषण जंग जारी है। रूसी सेना के समर्थन से विद्रोही लुहांस्क के कई इलाकों पर धीरे धीरे कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। इस बीच रूस की सेना ने वहां मौजूद यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर उस पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। रूस ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट कर रूसी सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। यही नहीं, इस वीडियो में रूस के सैनिक दुश्मन सेना पर बम बरसाते भी दिखाई दिए। रूस के इन हमलों की वजह से उस इलाके में चारों तरफ धुआं फैल गया, कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा वहां के एक दूसरे इलाके में रूसी सैनिकों का काफिला नजर आया, जिसमें कई टैंक भी दिखे। लुहांस्क में रूस के समर्थन वाले विद्रोही भी इस जंग में यूक्रेन को तबाह करने में जुटे हैं। उधर जंग के 44वें दिन पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के क्रामतोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। और ये हमला उस वक्त हुआ जब क्रामतोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ सुरक्षित जगह पर जाने के लिए ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। भीड़ में ज्यादातर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे, लेकिन तभी दो मिसाइलें स्टेशन से टकराईं, जिन्होंने वहां तबाही मचा दी। इस रॉकेट हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनकी यूक्रेन की सेना के जवान मदद करते दिखे। रेलवे स्टेशन से रॉकेट टकराने के बाद वहां काले धुएं का गुबार उठने लगा, जो आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की एक टीम पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। हमले के बाद की तस्वीरों ने तो लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक तस्वीर में खून से सने प्लेटफॉर्म पर कई लोगों के शव पड़े दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में स्टेशन पर लोगों का सामान बिखरा नजर आया। यही नहीं, एक तस्वीर में वहां एक मिसाइल भी पड़ी नजर आई, जो स्टेशन के बाहर जमीन से टकराने के बाद भी फटी नहीं थी। लेकिन अगर दूसरी मिसाइल भी वहां फट जाती तो वहां इससे भी बड़ी तबाही मचती। रेलवे स्टेशन पर हुए इस हमले का आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाया, और आरोपों को सच साबित करने के लिए यूक्रेन ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में दो मिसाइल आसमान में बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती दिखाई दी। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि क्रामतोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को तोचका यू मिसाइल से निशाना बनाया गया, और ये दोनों मिसाइलें डोनेस्क के एक इलाके से दागी गई थी। क्रामतोर्स्क पर हुए भीषण हमले के बाद यूक्रेन और रूस के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। इस हमले के लिए यूक्रेन रूस को जिम्मेदार ठहरा रहा है और रूस इसे जेलेंस्की की साजिश करार दे रहा है। इस आरोप और प्रत्यारोप के पीछे की वजह तोचका यू नाम की वो मिसाइल है जो कभी सोवियत संघ की बड़ी ताकत हुआ करती थी। इसलिए इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने एक बार फिर ये आरोप लगाया कि रूसी सेना जंग के पहले ही दिन से उनके देश के नागरिकों को निशाना बना रही है। Russian military hit the railway terminal in the city of Kramatorsk. हालांकि यूक्रेन के लगाए आरोपों को रूस की तरफ से खारिज कर दिया गया। रूस ने दावा किया कि तोचका यू मिसाइल सोवियत संघ के वक्त की मिसाइल है, जिसे सिर्फ यूक्रेन की सेना ही इस्तेमाल करती है। रूस ने आरोप लगाया कि इससे पहले 14 मार्च को यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क के एक इलाके में इससे हमला किया था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे।